अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है नुमान अली और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ होंडा फिट हाइब्रिड 2016 मॉडल का रिव्यू। और ये थर्ड जनरेशन है होंडा फिट की, तो आइए बगैर किसी टाइम जाया किए रिव्यू स्टार्ट करते हैं। व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं खूबसूरत होंडा का लोगो और साथ प्यारी सी क्रोम ग्रिल जा रही है और उसके नीचे प्लास्टिक की ग्रिल दी गई है ब्लैक कलर में, काफ़ी अच्छी है। और ये आप देख रहे हैं हेडलाइट्स खूबसूरत, इसी नॉन हेडलैम्प्स नहीं दिए गए, DRLs भी नहीं दी गई, लेकिन ये हेलोजन लैम्प्स दिए गए हैं और साथ इसके इंडिकेटर आप देख सकते हैं। और ऊपर ये आप यहाँ पर देख सकते हैं ये कोलिजन वार्निंग सेंसर दिए गए हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा इसकी साइड की शेप, साइड से ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखती है, हैचबैक कार है तो बैक से थोड़ी सी ये नीचे है। और ये आप देख रहे हैं 15 इंच के अलॉय व्हील्स दिए गए हैं, इसमें फ्रंट पे वेंटिलेटेड डिस्क दी गई हैं और रेयर पर ड्रम डिस्क दी गई हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ इसकी रेयर की शेप, रेयर से कार ये कुछ ऐसी दिखती है। बूट स्पेस चेक करते हैं, रेयर पर वाइपर भी दिया गया है और रेयर कैमरा ये आप देख रहे हैं काफ़ी खूबसूरती से लगाया गया है। बूट स्पेस ठीक है, डिसेंट है, मतलब कि आप इसको फोल्ड करेंगे सीट्स को तो आप इसको बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन हैचबैक है तो इतनी ज़्यादा नहीं है बूट स्पेस। और ये आप यहाँ पर देख सकते हैं 40 लीटर का फ्यूल टैंक। व्यूअर्स, ये है होंडा का रिमोट और इसमें से आप की निकाल भी सकते हैं, तो ये मैं जा रहा हूँ पॉकेट में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें भी वही सेंसर है, अब ये मैं यहाँ से लॉक करूँगा बटन से इसको तो ये ऑटो फोल्ड हो जाएंगे और जैसे मैं हाथ यहाँ पे रखूँगा तो ये अनलॉक हो जाएगी कार। सबसे पहले जो आपको देखने को मिलेगी यहाँ विंडोज़ के कंट्रोल, लॉक अनलॉक के कंट्रोल, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल, उसके अलावा आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन, मैनुअल हेडलाइट्स एडजस्टमेंट और कोलिजन वार्निंग, और ये जो ऑटो मिरर्स के हैं ये बटन, तो अगर आप इसको ऑन रखेंगे तो ये ऑटो फोल्ड होंगे मिरर्स आपके सेंसर के साथ, अगर आप इसको ऑफ करना चाहें तो ऑफ भी कर सकते हैं, ये इको मोड। और उसके अलावा यहाँ पे फ्यूल टैंक ओपनर और बोनट ओपनर। तो व्यूअर्स, ये आप देख रहे हैं होंडा फिट का स्टीयरिंग व्हील, लेकिन ये मल्टीमीडिया नहीं है, सिंपल है क्योंकि ये एफ मॉडल है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एसी वेंट्स और ये डैश की क्वालिटी, प्लास्टिक यूज़ किया गया काफ़ी ज़्यादा। और ये राइट पर इसके इंडिकेटर्स के कंट्रोल हैं, लेफ्ट पे वाइपर के कंट्रोल हैं। अब मैं आपको कार को स्टार्ट करके दिखाता हूँ, यहाँ पर इसका पुश स्टार्ट बटन है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखिए कार स्टार्ट हो गई है। तो ये आप देख सकते हैं एसी वेंट्स, ये इंफोटेनमेंट सिस्टम, हैजर्ड वार्निंग बटन, क्लाइम ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, यहाँ पर 12 वोल्ट का पावर आउटलेट दिया गया है, 7 स्पीड ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स, और ये जो एस का बटन है स्पोर्ट्स मोड, यहाँ पर कप होल्डर्स दिए गए हैं और थोड़ी सी स्पेस भी दी गई है ये रिमोट वगैरह रखने के लिए। और ये मैनुअल हैंड ब्रेक ये दिया गया है जी, सेंट्रल कंसोल बॉक्स, थोड़ी सी स्पेस दी गई है और इसमें भी दी गई है 12 वोल्ट की पावर आउटलेट, ये अच्छा ऑप्शन है। और यहाँ पर दिया गया है बोतल होल्डर और ये आप देख सकते हैं एसी वेंट्स, और ये है ग्लव बॉक्स, थोड़ी सी स्पेस है। वैनिटी मिरर्स देखते हैं, हाँ जी दिए हुए हैं लेकिन लाइट नहीं दी गई, लाइट सिर्फ यहाँ पर आपको मिलेगी। और ये ड्राइविंग साइड पर भी वैनिटी मिरर दिया गया है और आपको रूफ पर भी लाइट मिलेगी। अब चलते हैं रेयर पर और रेयर पर देखते हैं कि क्या कुछ दिया गया है और कितनी स्पेस दी गई है। तो ये सबसे पहले आपको विंडोज़ के कंट्रोल मिलेंगे और
अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट बिल्कुल पीछे की हुई है, तो काफ़ी डिसेंट लेग रूम है। अगर मैं हेडरूम की बात करूँ तो वो भी अच्छा है। तो यहाँ पे रेयर पर एसी नहीं दिया गया है, और यहाँ पर पावर विंडोज़ की कंट्रोल, 3 हेडरेस्ट दिए गए हैं। व्यूअर्स, ये है होंडा फिट का 1500 सीसी 4 सिलेंडर हाइब्रिड इंजन विद 170 Nm टॉर्क, और इसका इंजन 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है एट 6000 RPM। अगर हम होंडा फिट के प्रोज एंड कॉन्स की बात करें तो इसके प्रोज में आ जाता है कि इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, उसके अलावा इसमें 7 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स दिया गया है, और ओवरऑल ये गाड़ी विद इन सिटी 20-24 पर लीटर की एवरेज दे देती है, और अगर हम हाईवे पे जाते हैं तो उधर 15-16-17, वो डिपेंड करता है आपके ड्राइविंग हैबिट पे। और इसके अलावा अगर हम इसके कॉन्स की बात करें तो कॉन्स में इसकी एक तो ग्राउंड क्लियरेंस का मसला है, दूसरा इसका ये है कि पार्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं है, कि अगर छोटी सी भी इसकी आपको चीज़ चाहिए होगी तो आप लाहौर बिलालगंज से आप ले सकते हैं, लेकिन जैसे कि हम मुल्तान में रहते हैं तो इसकी पार्ट्स अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। तो दोस्तों, ये था आज का रिव्यू। अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर पहले से नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी पसंदीदा कार का मैं रिव्यू करूँ तो आप उसे कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, इंशाल्लाह मैं ज़रूर उस कार का रिव्यू करूँगा। ये था आज का रिव्यू। अल्लाह हाफिज़।